हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एस्ट्यूट कम्पिटिटिव जाहो। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट सेल ऑर्गेनलीज। इन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल डिवीजन। ओके, सेल डिवीजन क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू न्यू सेल्स। ठीक है, जो सेल्स होते हैं वो न्यू सेल्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका रीजंस फॉर डिवीजन। ठीक है, मतलब जो सेल्स हैं वो डिवाइड क्यों करते हैं, उस चीज का रीजन क्या रहता है? ठीक है, रीजन है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेल्स डिवाइड करेंगे तो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिप्लेस ओल्ड एंड डेड सेल्स। ठीक है, क्या होता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट जो सेल्स हैं वो अपना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उनमें से क्या होता है, कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं तो उनको न्यू सेल से रिप्लेस कर दिया जाता है, इसीलिए जरूरी है सेल डिवीजन। ठीक है, जब सेल डिवाइड होंगे न्यू सेल्स बनेंगे और जो सेल्स डेड हो जाते हैं उनको रिप्लेस कर देंगे न्यू सेल्स से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर गैमेट फॉर्मेशन। ओके, अब बात करते हैं गैमेट फॉर्मेशन के बारे में। आपने क्रोमोसोम के बारे में सुना होगा। ठीक है, ह्यूमन जो सेल है, ह्यूमन बीइंग का जो सेल है उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? ठीक है, ऐसे जैसे आपने कुछ स्ट्रक्चर देखी होगी, इस तरह की आपने स्ट्रक्चर देखी होंगी। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, ये भी क्या है, क्रोमोसोम। ये वाली स्ट्रक्चर, ये भी क्या है, क्रोमोसोम। बात आती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग। ओके, ह्यूमन सेल 46। ठीक है, बहुत बार यहां से क्वेश्चन भी आया होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल, ह्यूमन बीइंग, देयर इज 46। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इनको क्या बोलते हैं हम, देखो स्ट्रक्चर्स ये वाले क्या हैं, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड क्रोमोसोम, और ये क्या है, पेयर्ड क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो ये भी क्या है, क्रोमोसोम, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स। जब ये क्रोमोसोम अपनी ही तरह सेम एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है गैमेट फॉर्मेशन की। गैमेट में भी क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन में भी क्या होता है, न्यू सेल्स बनते हैं। ठीक है, गैमेट की फॉर्मेशन होगी तो सेल भी डिवाइड होंगे। ठीक है, तो जैसे कि गैमेट की फॉर्मेशन होगी वहां पे क्या होगा, जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम वहां पे क्या होता है, हाफ हो जाते हैं। ये एक सेल है, इसके पास ये है क्रोमोसोम। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। ठीक है, पर यहां पे क्या है, गैमेट की फॉर्मेशन होगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपका हाफ हो जाएगा, 23। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आपके टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, वन सेल डिवीजन अकर्स। ठीक है, एंड हेयर क्या होगा, फोर सेल डिवीजन अकर्स, चार सेल बनेंगे डिवाइड होके,
नेक्स्ट है आपका टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इन माइटोसिस एंड हियर फोर डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इन मियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डॉटर सेल्स जो होते हैं वो होंगे डिप्लॉइड एंड हियर इन मियोसिस डॉटर सेल्स आर हैप्लॉइड। नेक्स्ट है आपका माइटोसिस जो होती है अकर्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर टिश्यू एंड जो मियोसिस होती है फॉर गैमेट फॉर्मेशन और जो आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो भी इसमें हाफ हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।